पहुंची अगर पिछले वर्ग का अलग निर्वाचन क्षेत्र होता और शेड्यूल कास्ट का अलग निर्वाचन क्षेत्र होता तो आपके इशारे के बगैर संसद का एक पत्ता नहीं हिलता। ये छोटी मोटी खेल तो अलग बात नहीं रहा है, ये मुल्क आपका है, ये सारे अधिकार आपके हैं। आप कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना और ये आरक्षण, इस लीला को समझिए। गैर ब्राह्मणेतर दल जस्टिस पार्टी इस क्षेत्र में 1737 तक 20 सालों तक बहुत मजबूत थी। और संदर्भ इसलिए कह रहा हूं कि स्टालिन, एमके स्टालिन वहां मंदिर का डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं, पिछड़े गैर ब्राह्मण पुजारी बना रहे हैं, नीट की वो मांग कर रहे हैं। सबसे पहले जनसंख्या जनगणना की बात उन्होंने की, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे उठाया। और नॉर्थ इंडिया के जो नेता हैं वो कोई राम मंदिर बनवा रहा है, कोई बर्मा मंदिर बनवा रहा है, कोई विष्णु मंदिर बनवा रहा है, कोई साधु लेके हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, कोई सब मंदिर ही बनवा रहा है। इस संदर्भ में इस भाषण को समझना जरूरी है। लाल साहब की जयंती है और मैं मुरहो गया हूँ जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। सूरज मंडल जी आज वही हैं, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स कुछ वीडियो मुझे अभी भेजेंगे, वो अम्बेडकर नामा पे अपलोड करेंगे। बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना दे दे रहा कि अभी पटना से मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में बीपी मंडल साहब की जयंती के अवसर पे वहाँ के छात्र संघ के नेता ने बीपी साहब की मंडल की मूर्ति लगाई थी। अभी इसकी सत्यता मैं प्रमाणित करूंगा, लेकिन अभी अभी मैसेज आया है, लेकिन आज वो मूर्ति वहां से हटा दी गई। तो समझिए कि बीबी मंडल और अंबेडकर और कांशीराम से डर किसको लगता है, ये पहले समझना पड़ेगा। बहुत तरह की बातें होगी, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस पे मैं बात नहीं करूंगा। और मैं समझता हूं कि जब तक किसी आंदोलन में वैचारिक स्पष्टता, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं होती है, तब तक आप संख्या 90 क्या 99 गिनते रहिए, आप कभी जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है बार बार कि इतिहास को जानिए। कैलेंडर इन्होंने बनाया है, उनको पहले मुबारकबाद, और बीपी मंडल साहब पे शोध होना चाहिए, उनके जीवन पे, उनके राइटिंग्स पे, विधानसभा और पार्लियामेंट के कुछ भाषण हमने निकाले, शोध होना चाहिए। सिर्फ ये रिचुअल नहीं होना चाहिए कि मंडल जयंती है और आज सब लोग मिले भाषण किए चल दिए। शोध करिए, पढ़िए लिखिए, बोलिए, लेख लिखिए, यूट्यूब चलाइए और जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाइए। मैं कई साथियों का वक्तव्य सुन रहा था और मुझे लगता है कि मंडल साहब में और कांशीराम में और अम्बेडकर साहब में कोई अंतर विरोध नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो गौतम बुद्ध और कबीर, रविदास, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, अंबेडकर, पेरियार, ये पूरी एक परंपरा है। और जब तक इसको आप नहीं समझेंगे ना, आप खेल आप समझिए, नहीं तो जनेऊ लीला का शिकार हो जाएंगे। इसको मैं जनेऊ लीला कहता हूँ। इस खेल को समझना पड़ेगा। बहुत कम साथियों को पता होगा, हमारे बड़े भाई दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ मौजूद हैं, कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, अनिल जी भी हैं यहाँ पर, वो आंदोलन कांशीराम जी ने चलाया था। और भारत में कई सेमिनार संगोष्ठियां, 400 संगोष्ठियां हुई थी, उसके बाद मोमेंटम बनना शुरू हुआ था। मेरे पास 10 वॉल्यूम कांशीराम के राइटिंग्स एंड स्पीचेस के रखे हुए हैं, किसी साथी को चाहिए तो उसमें से भाषण मैं निकाल के दे सकता हूँ। चलिए थोड़ा सा समय कितना है, देखिए मंडल कमीशन को पूरी पृष्ठभूमि में समझना पड़ेगा और थोड़ा सा इतिहास में जाएं, 1932 में जाएं, उसके बाद 1940 के आसपास आए, 47 में आए। जब तक इस पूरी सीरीज को आप नहीं समझेंगे तो मंडल कमीशन नहीं समझेंगे। मंडल कमीशन हवा में नहीं बना था, इसकी लड़ाई जो साइमन कमीशन आया था उस समय से शुरू हुई थी। और डॉक्टर अंबेडकर उस समय से और उसके पहले से भी, बोरो कमिटी जब आई थी और साइमन, तब से ये आवाज उठ रही है। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उनको मौका मिला तो उन्होंने 340 आर्टिकल ओबीसी के लिए रखा। और दुर्भाग्य था कि ओबीसी के नेता जो 1932 में थे, डॉक्टर अंबेडकर की बात से सहमत नहीं हुए, अन्यथा भारत का पूरा जियोपॉलिटिक्स से आज अलग होता। उन्होंने कहा था कि जैसे हमने पृथक निर्वाचन क्षेत्र लिया है, आप लोग अपने लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगो, हम आपका समर्थन करेंगे,
आज सोचिए अगर पिछले वर्ग का अलग निर्वाचन क्षेत्र होता और शेड्यूल कास्ट का अलग निर्वाचन क्षेत्र होता तो आपके इशारे के बगैर संसद का एक पत्ता नहीं हिलता। ये छोटी मोटी खेल तो अलग बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन किया था, उससे चार कारण बताए थे और एक कारण था कि सरकार पिछड़ा वर्ग को लेकर संजीदा नहीं है, कोई काम नहीं कर रही। उसके बाद कमीशन बना, उसके बाद वो कमीशन का रिपोर्ट पता है आप सबको क्या हुआ, फिर मंडल कमीशन हुआ, आंदोलन हुआ 90-91 में, मात्र कुछ प्रतिशत रिकमेंडेशन लागू हुआ, 40 रिकमेंडेशन में से 2 रिकमेंडेशन लागू। ये सब इतिहास आप जानते हैं। मैं पहले आरक्षण प्रतिनिधित्व की अवधारणा समझाने की कोशिश करता हूं। जो आपको जो 85-85 कहते हैं ये क्या है, जैसे आपका शर्ट पैंट उतार लिया और जब हल्ला करते हैं तो गले में टाई पहना देता है, लो टाई पहना दिया, कहता हमने दिया ना टाई दिया। तो ये समझिए ये कोई आपको दे नहीं रहा है, ये मुल्क आपका है, ये सारे अधिकार आपके हैं। आप कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना और ये आरक्षण, इस लीला को समझिए। और ये कहते हैं कि शर्ट उतार लेना, पैंट उतार लेना, हल्ला करे तो उसमें गोलगप्पे और लेमन जूस मुंह में डाल दो। और एक आरक्षण का दूसरा फॉर्मूला है जिसको कहते हैं ओवरकोट फॉर्मूला। ओवरकोट फॉर्मूला क्या है, ये पहले से उस सुदामा कोटा उसको बोलते हैं, जनऊ कोटा 10%, हम उसे खिलाफ थे और आज भी हैं। क्योंकि आरक्षण आखिर सबको, सब जाति को आरक्षण मिल गया तो खा कौन गया, इसकी पड़ताल कौन करेगा। ओवरकोट कोटा का मतलब है ये पहले से स्वेटर वेटर बॉडी वार्मर पहने हुए था और बिना मांगे हुए, बगैर आंकड़े के, बगैर किसी कमीशन के 48 घंटे के बीच फर्स्ट क्लास ओवर कोट 10% पहना दिया। आप चुप रहे, देखते रहे, आप 52%, 75% करते रहिए, लीला को समझना है। आज मैं सिर्फ 5 मिनट और बोलूंगा और मंडल कमीशन सब जानते हैं, सब लोग कह रहे हैं जागृत होइए, लेकिन किसके पीछे जागृत हो, तो सब कहता है कि मेरे ही पीछे जागृत हो। मैं कह रहा हूं कि अभी तो लोगों को छोड़िए, पहले भारत के जितने संगठन हैं उसको एक मंच पर ले आइए, सारे बाम से, सारे SC ST OBC कर्मचारी यूनियन, इस संगठन जब एक मंच पर आएगा तो लोग तो अपने आप आ जाएंगे। तो सब ये चक्कर है इसमें, काफी दिनों से हम लोग ये सब देख रहे हैं कि हाँ यस क्रांति होनी चाहिए, लेकिन सब मेरे पीछे आओ तब क्रांति होगी। भाई इस देश में कम से कम 5,000 नेताओं की जरूरत है। जिस समय अंबेडकर थे उस समय लोहिया भी थे, उस समय पेरियार भी थे, अभी भाई साहब बैठे हुए, कोई हमारे घर पे अनुरोध के प्रोग्राम में गए थे, अभी यहाँ दिख रहे थे, अभी शायद नोएडा के चौधरी साहब थे। मैंने कहा था कि भाई छल्ले वाली गाड़ी छोड़ो और बच्चों को PhD कराने ऑक्सफोर्ड लंदन भेजो, कि जब तक ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आएगा तो भीड़ लगे क्या कीजिएगा। सिपाही तो रातों रात बहाल हो जाता है, आपके पास कमांडर ही नहीं जो आपको नेतृत्व दे सके। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया लंदन नहीं गए रहते तो कभी ये लड़ाई लड़ पाते, कभी नहीं लड़ पाते। इसलिए मैं बार बार हर सभा में आह्वान करता हूं कि जो संपन्न लोग हैं लड़कों को भेजिए 500, मैं इस काम में लगा हुआ हूं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। तो जब तक हमारे पास इतिहासकार नहीं होंगे, इकोनॉमिस्ट नहीं होंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं होंगे, अमर्त सेन आपके पास है नहीं, रोमिला थापर है नहीं, इरफान अभी है नहीं, तो किसका इतिहास आपका कौन आपको बताएगा, वही जो इसमें लीला करेगा। इसलिए ये लड़ाई MP मिनिस्टर से कुछ नहीं हो सकता है, ये तो प्रधानमंत्री OBC है, ये दलित राष्ट्रपति है, तो क्यों सब खत्म हो रहा है, क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं। यू हैव टू हैव लार्ज नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, उसकी तैयारी कीजिए, बहुत सारे बुद्धिजीवियों की जरूरत है। और चलते चलते डॉक्टर अंबेडकर के आदमी एक भाषण पढ़ रहा था और संक्षेप में से कुछ बात कहना चाहूंगा, आप समझ जाएंगे। संदर्भ है 1944 और आपको मैं बता दूं कि मद्रास में जो गैर ब्राह्मण दल था वो 1917 से लेकर 37 तक काफी मजबूत था और 37 के चुनाव में गैर ब्राह्मण दल मतलब पिछड़ों का जो दल है वो बुरी तरह हार गया संख्या होने के बावजूद। पेरियार साहब ने 44 में फिर शुरुआत की कि चलिए भाई फिर से पिछड़ों को मजबूत किया जाए। जब अंबेडकर साहब को पता लगा तो मद्रास पहुंचे और पेरियार साहब को उन्होंने इनविटेशन दिया। पेरियार साहब मद्रास में आए, होटल में 2 घंटे बातचीत हुई, उसके बाद पेरियार साहब चले गए। उसके बाद वहां कुछ संगठन थे,
जो एक अखबार निकालते थे उसका नाम था ऑब्जर्वर, द संडे ऑब्जर्वर। इसके संपादक थे सुब्रमण्यम मुदलियार। इन्होंने अम्बेडकर साहब को खाना खिलाया दोपहर का, और वहाँ पे कुछ गणमान्य व्यक्ति, जैसे यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं वैसे कुछ चंद व्यक्ति बैठे हुए, तो वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है। 5 मिनट लूँगा, ये भाषण सुन लीजिएगा, अभी क्या चल रहा है अपने आप समझ जाएंगे। ये 1944 की बात कह रहा हूँ। कहते हैं भाषण में कि ब्राह्मणेतर पक्ष, मतलब गैर ब्राह्मण दल के सुशिक्षित युवक अगर यहाँ होते तो भाषण देने में और अच्छा लगता, ज्ञानपूर्वक बात मैं बोलता, उत्साह से बोलता, लेकिन यहाँ नए विचारों वाले युवाओं से अधिक पुराने नेता और कार्यकर्ता उपस्थित है, यह देखकर थोड़ा उत्साह ठंडा हो गया। उनको हर समय एनर्जेटिक आदमी चाहिए थे। इसके बावजूद मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा। कहते हैं कि मद्रास में गैर ब्राह्मणेतर दल जस्टिस पार्टी क्षेत्र में 1737 तक 20 सालों तक बहुत मजबूत थी। और संदर्भ इसलिए कह रहा हूं कि स्टालिन, एमके स्टालिन वहां मंदिर का डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं, पिछड़े गैर ब्राह्मण पुजारी बना रहे हैं, नीट की वो मांग कर रहे हैं। सबसे पहले जनसंख्या जनगणना की बात उन्होंने की, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे उठाया, और नॉर्थ इंडिया के जो नेता हैं वो कोई राम मंदिर बनवा रहा है, कोई बर्मा मंदिर बनवा रहा है, कोई विष्णु मंदिर बनवा रहा है, कोई साधु लेके हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, कोई सब मंदिर ही बनवा रहा है। इस संदर्भ में इस भाषण को समझना जरूरी है कि 1937 के चुनाव में इस पक्ष की हार क्यों हुई, यह सवाल पूछने लायक है। 20 वर्षों तक उत्तर भारत में सामाजिक न्याय वालों की मोटा मोटी सरकार रही है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली में भी अनिल जैन साहब चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, 16% वोट यहां भी था, दिल्ली में भी था उस समय। ब्राह्मणेतर पक्ष का निर्माण हुआ यह लोकतंत्र के नजरिए से, डेमोक्रेसी के नजरिए से बेहतर था, महत्वपूर्ण था। इस शब्द के कारण उसे जातीय स्वरूप प्राप्त हुआ। यह पक्ष गैर ब्राह्मण दल लोकतंत्र के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण था। हिंदू समाज में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर इस प्रकार के दो वर्ग हजारों साल से अस्तित्व में है। ब्राह्मण वर्ग विषमता मानता है, हजारों साल से धार्मिक और राजनीतिक सत्ता अनियंत्रित रूप से उसके हाथों में है। ब्राह्मणेतर वर्ग गैर ब्राह्मण दल समता को मानने वाला है, समाज में समता स्थापन करने के लिए हुकुम चलाने वाले ब्राह्मण वर्ग पर उसने आज तक हजारों बार जबरदस्त हमले किए हैं, लेकिन तानाशाह ब्राह्मण वर्ग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की सभी मौकों की जगहों पर काबिज कर बैठा है। और इसी का फायदा उठाते हुए वह हमेशा ब्राह्मणेतरों के सभी हमले को नेस्तनाबूद करता है। कल्चर सेम कल्चर है, पौने पांच साल आप जो है घंटा बजाते रहोगे, इलेक्शन के दिन जाके बोलोगे जाति जनगणना कराओ और मुझे अधिकार दो, नहीं मिलने वाला है जब तक कि वैकल्पिक संस्कृति की ओर आप नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मणेतर वर्ग के अनियंत्रित राजकर्ता के रूप में वैसा ही रहा। ब्राह्मणेतर वर्ग समता को मानने वाला है, लेकिन वह विषमता को मानने वाले ब्राह्मण वर्ग को नेस्तनाबूद कर समाज में समता नहीं ला सका। इतनी संख्या होने के बावजूद नहीं ला सका। अभी उत्तर भारत में हिंदी प्रदेश में सारे दलित पिछड़े नेता जो है वही कर्मकांड में फंसे हुए, जैसे खिलाफ पेरियार अंबेडकर लगातार लड़ रहे थे। ब्राह्मणेतर पक्ष अपने इलाके में 20 साल सत्ता में था, इसके बावजूद वह ब्राह्मण वर्ग को नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए, एक कारण जानना जरूरी है। कारण बताते हैं, इस पक्ष के लोगों की स्वार्थ परायणता, स्वार्थी होना, भेड़िया शासन का आकर्षण, वो इलेक्शन के दिन सब हुले हुले करके चला जाता है, एकदम गया, जैसे राज सत्ता मुख्यमंत्री बना लिए तो सब कुछ आपका हो जाएगा। पढ़े लिखे गैर ब्राह्मणों में समाज से अलग रहने का भाव, दल के उद्देश्य और नीति की संकीर्णता और संगठन की शिथिलता आदि। 1917 से 1937 के दरमियान यह दल सत्ता में रहा, लेकिन उसे जनता के हित का काम करने से अधिक ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करना ही अधिक महत्वपूर्ण लगा। स्टालिन ठीक काम कर रहे हैं सत्ता में, जो डिसीजन सब ले रहे हैं उसी में इस पक्ष की पूरी ताकत खर्च हो गई। गांव की गरीब जनता परेशान है गरीबी से, साहूकार के चंगुल में फंसी है। उसके हित के लिए व्यवसाय आदि शुरू करना, साहूकार के चंगुल से छुड़ाना आदि काम करने की सुध इस पार्टी के पास
नहीं रही, हमारे सब पार्टी के पास एजेंट बैठे हुए, हम सब जानते हैं सबको, नहीं रही। अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाने का मुख्य कार्य ही इनका इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था। टिकट देना, नौकरी देना अपने रिश्तेदार को, अपने जात को, अपने रिश्तेदार को, खाली यही करना का। ब्राह्मणों को गालियां देने वाले ब्राह्मणेतर पीढ़ी ब्राह्मण की तरह परफ्यूम लगाने लगे, कपड़े पहनने लगे और ब्राह्मणों का आचार विचार अपनाने लगे। तो ब्राह्मणत्व को नष्ट करने की इनकी जो नीति थी वो किसी कोने में दुबकी रही, नष्ट नहीं हो पाया और ब्राह्मण जिंदा रहा। एक दो मिनट है, ब्राह्मणेतर पार्टी को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं हुआ कि वे ब्राह्मणों से भिन्न है। उनके लिए अपने दर्शन में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को जानकर उसी के अनुकूल बर्ताव न कर सके। ब्राह्मणत्रों के बर्ताव से यही साबित होती रही। ब्राह्मण शेष दर्जे के ब्राह्मण है और गैर ब्राह्मण द्वयम दर्जे के ब्राह्मण है। कास्ट हायरार्की आपके बीच जो है वो इस बात की ओर रेखांकित कर रहे हैं। ब्राह्मणेतर पक्ष के नेता भी विद्वान और तर्कशुद्ध तरीके से सोचने वाले श्रेष्ठ नहीं थे। अपने पक्ष की नीति को व्यापक बनाकर उसे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उपयोग में लाना उनसे नहीं हो पाया। नेता कैसे हो, साफ नीति बनाने वाले और नई नीति पाने का लक्ष्य जी जान से जुटकर काम करने वाले। ब्राह्मणेतर दल को, गैर ब्राह्मण दल के नेता को हटा दे, बहुत जरूरी बात है, तो वह पार्टी तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि सब पार्टी व्यक्ति केंद्रित है, विचारधारा केंद्रित नहीं है। लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भी लोहिया को नहीं पढ़ते हैं, अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अंबेडकर को नहीं पढ़ते हैं, और आपकी पराजय का यही सबसे मूल कारण है। और मुझे लगता है यह कारण नहीं था कि समाजवादी पार्टी की एक सांसद, दलित सांसद ने लोकसभा में प्रमोशन रिजर्वेशन, इसलिए भाषण मैंने आपको बताया कि जब तक आपकी संस्कृति अलग नहीं होगी, जब तक आप जिसके चंगुल में फंसे हुए हैं, दिन भर भजन करेंगे, आप ऑफिस जाएंगे, जाते हो आप घर पे घंटी बजा के मैडम को कान में बोल देंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, रामदेव बाबा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देना है, तो जन्म लीला में आप फंसे रहेंगे। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, राजनीति वैकल्पिक उसी की जीवित रहेगी जिसकी संस्कृति जीवित रहेगी। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, आपने काफी समय दिया, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।